बाबा शब्द कहने से ही क्या याद आ जाता है, बाबा द्वारा मिला हुआ वर्षा, बाप माना वर्षा, तो कितना बढ़िया वर्षा मिला है जो कोई बाप दे नहीं सकता। इतना बड़ा वर्षा एक जन्म में 21 जन्म की गारंटी। कोई ऐसा देखा अभी तक जो आपको 21 जन्म की गारंटी दे? कितना भी बड़ा ज्योतिषी हो, एक जन्म का भी पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन 21 जन्म की गारंटी, ये एक आपका और हमारा बाबा है। तो आज हम सभी को हमारा बाबा क्या बनाने चाहते हैं? आजकल 3-4 दिन पहले बाबा ने हम सभी को कहा, आप कौन हो? संतुष्ट मणि है। सभी संतुष्ट मणि, संतुष्ट मणि नाम सुन के ही संतुष्टता आ गई ना। तो बाबा कहता है सदा संतुष्ट मणि रहे। हो सकता है सदा रहे, क्योंकि संतुष्ट मणि जीवन हो तो संतुष्ट हो, बाकी तो जीवन क्या है? कभी कैसी वो कोई जीवन है क्या? तो संतुष्ट मणि की विशेषता क्या है? बाबा ने सुनाया है तो संतुष्ट मणि अपने आप को भी प्यारी, बाप को भी प्यारी और सारे ब्राह्मण परिवार को प्यारी। उसकी निशानी ये है। तो आप समझते हो कि हम संतुष्ट मणि है? जो समझते हैं हम तीनों के प्यारे हैं। बाप के प्यारे तो कहेंगे सभी है, क्योंकि बाप ही प्यारा है, लेकिन अपने को भी प्यारा और परिवार को भी प्यारा। कि परिवार में थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, लेकिन यहां बाबा परिवार की महिमा क्यों करते हैं? और कोई भी डिवाइन फादर परिवार नहीं बनाता, फॉलोअर बनाते हैं, परिवार नहीं बनाते। लेकिन हमारा बाबा कितना बड़ा, ये सभी आप जो बैठे हैं ये कौन है? अपने को क्या समझते हैं? बाबा का परिवार समझते हैं तभी तो आए हो ना। है बाबा का परिवार कितना बड़ा देखो। लेकिन एक दो के जितना ही परिवार बड़ा है,
उतना एक दो के प्रिय है।